बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिजबा के किचन में मोस्ट वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा, एक एग डोसा। एक ही बैटर में बहुत सारे वेराइटीज़ बना सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही बैटर में एक जो ना डोसा बैटर जो एक हम बना लिए तो उसमें कितने सारे वेराइटी बना सकते हैं। चिकन डोसा बना सकते हैं, मटन डोसा बना सकते हैं, एक डोसा बना सकते हैं उसमें मसाला डोसा बना सकते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ है फ्रेंड्स उसमें। मैं एक एक से आप लोगों को शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे अब एक मसाला डोसा, अब हम एक एग डोसा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मेरे स्टाइल में कैसे बनाते हैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये है मेरा डोसा, है ना, डोसा बैटर है ये। ज़्यादा मैं पीस लेके रख लेती हूँ, बैटर बना के रख लेती हूँ मैं हमेशा ही, बच्चों को बहुत पसंद है। बल्कि देखिए इस तरह से बनाना है हमारे को। ज़्यादा हमारा बैटर ना गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हमारा पतला जो ना पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए माशाल्लाह ये बराबर ही है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर भी तैयार है, भी नहीं है ज़्यादा। देखिए माशाल्लाह मीडियम रखना है हमारे को। यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है बैटर हमारा डोसे का। तो इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये साल्ट भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे हम इसमें बैटर में। 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर लेंगे हम। फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। शुगर हम जब ऐड करते हैं ना, ज़ीरा पाउडर शुगर जब हम ऐड करते हैं ना, ज़ीरे से अच्छी सी स्मेल भी आती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। शुगर से मानो एक क्रंची, एक डोसे में मानो एक अच्छा सा मानो टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है शुगर से भी। और डोसा क्रिस्पी भी बनता है और मालूम क्रंची भी बनता है शुगर ऐड करने से। फ्रेंड्स एक डोसा बनाने से पहले हम एक बाउल ले लेंगे। अब हम अंडा भी ले लेंगे, एग भी ले लेंगे, इसको फोड़ लेंगे पहले से। थोड़ी सी ऑनियन बारीक चॉप करी हुई, एक ग्रीन चिली है, एक ही है ये, ज़्यादा नहीं है। आप लोगों के बच्चे नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे है हरा धनिया है, टमाटर 1 में एक मीडियम साइज़ का टमाटर था तो उसमें मैं हाफ लिया मैंने। अब हम ऐड कर देंगे हम इसमें एग में, सब कुछ हम ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। साल्ट ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा डोसा पैन हीट हो चुका है, हमारा बैटर भी रेडी है, तो हम अब बनाएंगे डोसा। यहाँ पे बटर ऐड कर देंगे हम छोटे छोटे पीसेस करके, ये मेल्ट हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेल्ट हो गया है हमारा, तो हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब हम ऐड कर देंगे जो अंडे से जो ना बने हुआ है ना, ये ऐड कर देंगे। ये पूरे साइड से हम फैला लेंगे, हम आहिस्ता है अब इसको हम पलटा लेंगे डोसे को। चलिए फ्रेंड्स आहिस्ता भी पलटा लिया हमने, देखिए टर्न भी कर लिया है मैंने, देखिए अच्छे से ये पक चुका है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। ये यहाँ पे है मेरे पास चीज़ ग्रेट करे हुआ है। ओके फ्रेंड्स अब हम ऐड कर देंगे अब ये। फ्रेंड्स देखिए ये अब मेल्ट हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स इसका चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डोसा ना एकदम रेडी हो चुका है, देखिए माशाल्लाह। अब हम डिश आउट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमारा डोसा कितना क्रिस्पी भी और एकदम मालूम माशाल्लाह। देखिए हमारा डोसे को माशाल्लाह कितना अच्छे से बने हुआ है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है इसको। ये ऐसा बना के देने से बच्चे शौक से खा लेते हैं एकदम। देखिए माशाल्लाह
ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बनाएंगे दूसरा वाला डोसा, वो भी मसाला डोसा। अब हम बनाएंगे अब मसाला डोसा। ओके फ्रेंड्स, करेंगे बटर को, बटर को भी छोटे छोटे हम पीसेस करेंगे। ये मेल्ट हो जाता, मेल्ट हो रहा है बटर हमारा, माशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये है हमारा आलू का साग बन के रेडी है। अब हम इसको, अब हम चारों तरफ से, अब हम इसको आलू का जो साग को पूरा हम फैला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको फोल्ड करते हैं, रोल करते हैं। बच्चों को रोल करके भी देते ना तो इतना शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं रोल करके देने से। ये अब हम एक डिश आउट करते हैं। प्लेट में हमारा डोसा हमारा रेडी है। हमारा डोसा बनते ही हमारा जो एक डोसा अब्दुल खालिक फिनिश हो गया, 50 तो फिनिश हो गया है। ये देखिए, ऐसा बच्चों को ऐसा बना के देने से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जिद भी नहीं करते हैं वो नहीं खाना ये नहीं खाना। उनका मनपसंद का जब मिल जाता है ना तो बहुत शौक से खाते हैं। फटाफट से ब्रश भी कर लेते हैं, फटाफट से आके ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट फिनिश कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, प्यारे प्यार से कमेंट भी फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फिर न्यू रेसिपी लेके। तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।